नमस्कार, पलपल न्यूज की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू अख्तर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर इंसान को अपने हक की बात कहने का अधिकार है और राजनीतिक पार्टियों को भी वही अधिकार है कि उस अधिकार के चलते लोगों के न्याय की, लोगों के हित की और उनकी ही भलाई के लिए काम करें। लेकिन पिछले 5 साल में ये दौर पूरी तरह से बदला है। हम उस 2019 में आ पहुंचे हैं जिसका इंतजार गोदी मीडिया 2014 से करने लगा था, लेकिन देश के हालात किस तरह से बदले हैं ये सोचकर दुख होता है कि जिस तरह से गोदी मीडिया और ये इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से पक्षपात करते हुए देश के संविधान, लोकतंत्र और जनता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। मैं बात कर रही हूं पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेडिक्शन, जो अपने जो जितने भी फैसले हैं वो पहले ही पक्षपात के तौर पे लिए हैं और सारी हकीकत सामने आने से पहले लिए हैं। हमारे कुछ सवाल हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं और फैसला हम आप पर छोड़ना चाहते हैं कि 7वें चरण में जिस तरह से भाजपा अब सिर्फ दंगा कराने पर उतारू हो चुकी है, उसे हमें किस तरह से देखना चाहिए और ये पार्टी कितनी बेकाबू हो चुकी है अपने आप को सत्ता में काबिज करने के लिए, ये भी बहुत ही अफसोसनाक दौर हमारे सामने देखने को मिल रहा है। हमारे 5 सवाल आपके सामने मैं रखने जा रही हूं और उसी के साथ ये भी सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया और इलेक्शन कमीशन ने एक स्वतंत्र लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है और एक स्वतंत्र लोकतंत्र की बहुत ही बुरी तरह से हानि पहुंचा भी रहा है। तो पहला सवाल हमारे सामने मैं जो रखने जा रही हूं वो ये है, एक दिन पहले यानी 16 मई की रात 10 बजे प्रचार प्रसार बंद करने का फैसला पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। आयोग ने इसे व्याख्यातिक नहीं किया, वह ऐसा क्यों कर रहा है? यह फैसला सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाएगा, जिसके प्रभाव में मीडिया का बड़ा हिस्सा और राज्य संचालित संचार तंत्र हैं। क्या आयोग का अन्यायपूर्ण और पूर्वाग्रह से भरा फैसला नहीं है? ये सवाल लगातार जहन में खड़ा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सारे तथ्यों को बिना जांच पड़ताल किए उन्होंने किस बिना पर प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी और गोदी मीडिया को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया ताकि वो अपनी नफरत फैलाकर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पर सवालिया निशान खड़ा कर सके और बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल बना सके। दूसरा सवाल, भाजपा के रोड शो में भाजपाई गुंडे जो पूरी तरह से हिंसा करते हैं उसका जो प्रमाण है वो वीडियो में शामिल है और वीडियो भी एएनआई ने खुद प्रस्तुत किया है और बताया है कि जिस तरह से हिंसा हुई है और उसी के साथ साथ जिस तरह से आगजनी हुई है, लोगों पर पत्थर फेंके गए हैं और जितनी भी हिंसा हुई है उसमें भाजपा के लोग ही शामिल हैं और ये वीडियो उसका प्रमाण है। तो इसी के साथ बंगाल के जो बाहर के भाजपाई लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई जिसमें कई लोगों को छोड़ भी दिया गया है। उसी के साथ आयोग ने भाजपा पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाजपा इतनी सारी चीजें जो कि प्रूफ के साथ है, वीडियो प्रूफ के साथ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई भी उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। उसी के साथ साथ ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन क्यों इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहा है, क्योंकि जनता सिर्फ हमारी न्यायपालिका पर भरोसा करती है, स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन होते हैं उस पर भरोसा करती है, लेकिन एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए ये जिस तरह से पूरी तरह से ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो बेशर्मी पर उतरा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बन गया है। इसी के साथ तीसरा सवाल, निर्वाचन आयोग ने कोलकाता की चुनावी हिंसा का ठीकरा फोड़ा बंगाल के कुछ अफसरों पर, प्रधान सचिव, गृह सचिव के साथ एडीपी, एसआईडी राजीव कुमार पर, उन्हें अब हटा दिया गया है और दिल्ली के गृह मंत्रालय उनका
ट्रांसफर कर दिया गया है। वही ये हम आपको बता देना चाहते हैं, ये वही राजीव कुमार हैं जिन्हें कोलकाता के तत्कालिक पुलिस आयुक्त को लेकर पहले भी कई वजह से टकरावे हो चुकी हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपनी पुलिस का पूरी तरह से बचाव किया था और भाजपा जिस तरह से उन पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, ममता बनर्जी ने बकायदा रोका था और रोकने के साथ साथ पुलिस का साथ भी दिया था कि हम अपनी पुलिस, अपनी जनता, अपने अफसरों के साथ कोई भी मनमाने ढंग का रवैया नहीं होने देंगे। तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से इसका फायदा उठाते हुए राजीव कुमार को दिल्ली के गृह मंत्रालय ट्रांसफर कर दिया है। चौथा जो सवाल खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि आचार संहिता आरपी एक्ट हिसाब में धर्म और धार्मिक आख्यानों का चुनावी इस्तेमाल कानूनी विरोध और संहिता का उल्लंघन करता है, फिर आयोग ने अब तक भाजपा के बाबत नोटिस क्यों नहीं दिया? रोड शो में राम, हनुमान, सीता आदि प्रतिरूप और मुकुटा लगाए जाने के कार्यकर्ताओं पर अभी तक रोक है वो क्यों नहीं लगाए गए? ये कुछ सवाल हैं जो लगातार दिमाग में कौंध रहे हैं। और भाजपा जिस तरह से पूरी अपनी बेशर्मी पर उतरी हुई है और वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी पुरानी रिपोर्ट्स में भी जिक्र कर चुकी हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने छह चरण के चुनाव में रोकर अपने आप को बेचारा बता दिया और लगातार मीडिया को अलग अलग तरह से बयान दे देकर सबको रडार पे लिया हुआ है। इसी के साथ अब जो सातवां चरण है, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा बचता है कि वो अब दंगा फैलाएं और चुनाव जीतें। और इलेक्शन कमीशन और गोदी मीडिया पूरी तरह से यही करने पर उतारू है, और जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की हानि हो रही है तो वो हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की, और उसके बाद उन 130 करोड़ नागरिकों की जिनका विश्वास हमारे लोकतंत्र पर बना हुआ है। इसी के साथ ये भी बात ध्यान देने की बहुत जरूरी हो जाता है कि लोकतंत्र जिस तरह से अपने आप में एक स्वतंत्र प्रणाली है, सबका अधिकार देता है, सबको कहने काम करने का अधिकार है, लेकिन तानाशाह का अधिकार हमारे देश में किसी को नहीं है। लेकिन मोदी सरकार और उनकी भारतीय जनता पार्टी इस पूरी तरह से जिस बेशर्मी पर उतरी है वो तानाशाह की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। और मोदी और शाह की ये जो जोड़ी है, हर किसी को वो या तो पैसे से खरीद लेने के लिए पूरी तरह से उतारू है, जान से मरवा देने पर उतारू है, या फिर इलेक्शन कमीशन और गोदी मीडिया का गलत इस्तेमाल करके अपने हक में, अपने पक्ष में पूरी तरह से अपना चुनाव का हक लेना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। क्योंकि ये जानते हैं, इन्होंने पूरे 5 सालों में राम राज्य देने के नाम पर लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर दिमाग में जहर घोला है, अयोध्या के नाम पर हिंदुओं को ही बेवकूफ बनाया है, सत्ता में भी अयोध्या बनवा देंगे कहकर ही सत्ता में काबिज हुए थे। लेकिन असलियत क्या है वो आपके सामने है, अयोध्या का मसला अभी भी वहीं के वहीं खड़ा है। देश में मॉब लिंचिंग के शिकार सबसे ज्यादा अगर कोई हुआ तो दलित मुस्लिम हुए, लेकिन उसी मार से हिंदू लोग भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए और उसके शिकार हिंदू दोस्त, हिंदू भाई भी हुए हैं। और उसी के साथ साथ देश की जीडीपी, देश में पूरी तरह से जो युवा है वो बेरोजगार हुआ है, हमारे पास हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अर्थव्यवस्था अब अगर अगले 5 साल तक उन्हें कैसे सुधारा जाएगा उस पर बात की जा रही है, महिला सुरक्षा पक के लिए इनके पास बात करने के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त इनको एक महिला के सामने अपने आप को दंगाई साबित करके और उन्हें क्रूर साबित करके इस सत्ता में काबिज होने का एक आखिरी ही पूरा दाव बचा है। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगी कि आप लोगों को समझना चाहिए कि पूरी की पूरी दाल काली है और इस काली दाल में भाजपा अपना फूल खिलाना चाहती है। तो आपको भी समझना चाहिए कि बेशर्मी, डर और पूरी तरह से सत्ता में काबिज होने की लालसा इस सरकार से जो ना कराए वही कम है। और 23 तारीख को जब इनकी विदाई होगी तो वो भी एक देखने वाला मंजर होगा। शुक्रिया।